हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इन टुडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 20th of September यानी कि इस वीक की फ्राइडे के सेशन पे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, हमें किस तरीके से स्टॉक्स पे ट्रेड करके पैसा अर्न करना चाहिए। गाइस, जिस तरीके से हमने देखा जो थर्सडे की एक्सपायरी थी उसमें हमने देखा कि कितनी ज़्यादा गिरावट आई है निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। गाइस, एक ऐसा लेवल टूटा है, अगर वो कल तक उसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे पाया तो हम बहुत ज़्यादा नीचे डाउनसाइड देख सकते हैं, या फिर अगर कल उस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, तो हम बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, वो निफ्टी बैंक निफ्टी का अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू और टारगेट और स्टॉप लॉस समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पर मेरा अगर आप नाम भी सर्च करेंगे शिवांश भसीन तो भी आपको मिल जाएगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, जाके ज़रूर देखिएगा इस, और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। कुल निफ्टी पे ही अगर आप एक साइड पे भी जाते हैं तो एक साइड पे भी आपको 300 से 350 पॉइंट तक भी आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर गाइस, तो जाके देखिएगा ज़रूर। दूसरी बात, कौन से स्टॉक्स हैं जो कल के ट्रेडिंग सेशन पे हमें पैसा कमा के दे सकते हैं। सो गाइस, 5 स्टॉक्स में से 3 बाय साइड के हैं, 2 सेल साइड के हैं, क्योंकि मार्केट कल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, ऊपर जाके नीचे चली जाए और नीचे खुल के हम देखें कि ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाए। सो गाइस, किस तरीके से मार्केट में काम करना है, ये 5 स्टॉक्स आपके साथ में लेकर आया हूँ। सबसे पहले बढ़ते हैं रिलायंस की तरफ, तो रिलायंस पर बाय करने की ही सलाह दी जाएगी। 1179 पे इसने क्लोजिंग दी है। सो गाइस, आज का जो इसका लो है, लो भी हम मान के चले तो 1177-76 के आसपास है लो। सो गाइस, आपने देखा होगा कि जब एक महीना पहले सऊदी वाली डील आई थी ऑयल की, तो हमने रिलायंस पे एक गैप अप ओपनिंग देखी थी। हमने देखा था कि 1177 से लेकर ये 1230 पे खुला और वहाँ से सिर्फ 1300 तक की इसने रैली दी थी, यानी कि 150 पॉइंट तक की इसने रैली दे दी थी जब ये डील आई थी, अनाउंस फाइनल तरीके से हो गई थी। उसके बाद जो हमने देखा था कि जो 1177 से लेकर 1230 का जो इसने गैप दिया, जो हमने देखा ये 50 पॉइंट का जो इसने गैप दिया था, उस गैप को इसे फिल करना था। और आज के ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा कि जो इसने क्लोजिंग दी है और जो इसने लो मारा वो एग्जैक्ट उस गैप को फिल कर दिया है। सो गाइज, यहाँ से हम एक बाउंस देख सकते हैं। बाय चांस अगर कल निफ्टी अगर कल रिलायंस 1170 के लेवल को तोड़ देती है तो गाइज वहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउनसाइड देख सकते हैं। मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात करूँगा रिलायंस पे, अगर ये वो 1170 के नीचे क्लोज करती है तो ही हम रिलायंस पे एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे, वरना हम इस पे एक बाय कॉल लेकर चल सकते हैं जो हमें 1230 तक के लेवल भी दिखा सकती है। सो अभी के लिए एक बाय कॉल लेना चाहेंगे, क्योंकि एक रिवर्स साइन आ सकता है, क्योंकि उसने अपना जो एक लेवल था उस लेवल को टेस्ट करके वहाँ से एक बाउंस दे सकता है। सो कल के मैं टारगेट सिक्स पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, वो हो सकता है 1187 और 1196 का। स्टॉप लॉस आपको 1169 का यानी कि 1170 के नीचे का मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। NIIT टेक में बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइज आपको। NIIT टेक पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन पे आ गया था, पर ये एक ब्रेकआउट है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1440 तक भी लेकर जा सकता है। मिनिमम टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मुझे लगता है 1420 या 1440 तक लेकर जा सकते हैं। एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आ सकता है, पर उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर आप थोड़ा अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू या एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं, सो गाइज मेरी तरीके से आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1340 के नीचे, यानी कि आपको यहाँ से कुल 20 से 25 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, और वहाँ से आपको 40 से 60 से 70 पॉइंट तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं NIIT टेक के अंदर। गाइज, जो इसका सपोर्ट है NIIT टेक का वो 1345 के आसपास है, उससे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है अभी जो हम कह सकें कि वहाँ पर रुक सके, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा नीचे का इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करने को दिया है। पर टारगेट जो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 1380-1399 तक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रेड डीलर्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आप इसे फॉलो करिए, फॉलो ज्वाइन होने के बाद आपको जो भी ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स मैं आपको यूट्यूब पे देता हूँ वहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट पे बताया करूँगा कि आपको इन पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स में क्या ट्रेड करना है, और उसके अलावा भी आपको एक दो कॉल्स भी प्रोवाइड हो जाया करेंगी लाइव
ट्रेडिंग सेशन के अंदर लाइव पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के अंदर। गाइज अगले स्टॉक पे हम बढ़ते हैं, अगला स्टॉक है टाइटन, सेल करने की सलाह दी जाएगी। गाइज टाइटन को मैंने अपने जो कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा चार्ट से अच्छे से एक्सप्लेन करा था टाइटन HDFC बैंक के बारे में, सो गाइज टाइटन अभी भी एक शॉर्ट के लिए है और शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी टाइटन को। अभी भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्या लेवल बताया था कि जैसे ही अगर आपको ये 1170 के आसपास मिलता है टाइटन को आपको शॉर्ट करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1180 का होना चाहिए अगर आप मेरी कल वीडियो पे जाएंगे। और 1170 पे अगर आपने शॉर्ट करा होता तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसमें किसने दे रखी है, 1150 के आसपास इसने क्लोजिंग दे रखी है। सो अभी भी ये शॉर्ट का कैंडिडेट है। 1146 1139 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1161 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पिडिलाइट बाय करने की सलाह दी जाएगी। गाइस बाय करके चलिए पिडिलाइट को, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है जो कि एक हम कह सकते हैं कि 1290 या 1285 तक का जो एक लेवल है, रेंज है, वहां पर उसने एक सपोर्ट ले रखा है। सो गाइस यहां से एक शायद एक बाउंस बैक दिखा सकता है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो तो सिर्फ 1306 रुपए के ऊपर निकलता है जो मैंने आपको पहला टारगेट दे रखा है, क्योंकि एक ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का बहुत बार काम कर चुका है। 1306 के ऊपर निकलता है तो ही मेरे सेफ ट्रेडर्स हैं, वो बाय करके चलेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1314 और हायर लेवल्स भी अचीव हो सकते हैं। पर जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जो एक रिस्क ले सकते हैं वो बाय करके चल सकते हैं मार्केट ओपन होते ही या करंट लेवल्स पे 1306 पे भी बाय करके चल सकते हैं और आपको अच्छे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। सो गाइस ये भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्टॉक्स में आपको फायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के ऑप्शन आपको यहाँ पर विजिबल है, आप यहाँ पर YouTube का आपको आइकन दिख रहा होगा, YouTube के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन अगर आप दबाएंगे गाइस तो वहाँ पर आप मेरा कोई भी YouTube पे वीडियो अपलोड होगा, ऐसे एजुकेशनल वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ है, या आपके ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा और आप जाके मेरा सबसे पहले वीडियो देख के लाभ उठा सकेंगे। तो गाइस सब्सक्राइब करिए, जाके वीडियो को लाइक करिए। लास्ट स्टॉक पे पढ़ते हैं जो कि है हिंड पेट्रो, शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको हिंड पेट्रो के अंदर। 251 करंट मार्केट प्राइस है, 247 पहला टारगेट, 243 सेकेंड टारगेट है। ये गाइज एक ऐसा काउंटर है जो मैं आपको 5 स्टॉक्स में से ये लास्ट ऑप्शन दूंगा शॉर्ट करने की सलाह के लिए, या ट्रेड करने की सलाह मैं दूंगा। जो 4 स्टॉक्स आपको सबसे पहले दिए हम उन पर ट्रेड कर सकते हैं, पर इस पर आपको केयरफुली थोड़ा बहुत ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो मूवमेंट आती है वो ज़्यादातर टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल चार्ट्स को ही ज़्यादातर फॉलो नहीं कर पाता, और ये हम कह सकते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स को या फिर हम कह सकते हैं ऑयल के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहता है, तो उसी तरीके से ये रिएक्ट करता। सो गाइस 247-243 इसका टारगेट्स है, स्टॉप लॉस 254 का आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गाइस मेरे जाके सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो देखिए, अच्छा खासा आपके पास अभी मौका है। आपने अगर 2-4 दिन से जो इतनी लंबी लंबी फॉल आ रही है उस पर अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो अभी आपके पास मौका है पैसा कमाने का। गाइस जाके उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा, जाके देखिए, मेरे इस डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, जाके क्लिक करके एक बार देखिए, सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। गाइस खास बात, ट्विटर पे मुझे ज़रूर फॉलो करिए गाइस, वहाँ पर आपको बहुत सी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहूँगा, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती रहेगी वहाँ पर, जिससे आपको इकोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंडिंग के बारे में फ़ायदा और लाभ मिलते रहेगा। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा जो भी मैं एफर्ट्स आपके साथ आप कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं और लोगों के मुकाबले आपको ये चैनल के साथ जुड़ने में कोई फ़ायदा दिख रहा है। और गाइस आप मेरे साथ जुड़ रहिएगा तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न होते रहेंगे। साइड बाय साइड आपको मैं चार्ट्स पे आपके लिए गाइस मैं जो चार्ट्स लेकर आता हूँ वो पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, पर्टिकुलरली जो आपके साथ यूट्यूब पे वीडियो शेयर करते हैं ये लोग, वो आपको बताते होते होंगे कि प्रीवियस जो दिन का लो था वो टूटा है हम शॉर्ट करेंगे, या प्रीवियस हाई टूटा है तो बाय करेंगे। गाइस इस तरीके से मैं आपके लिए चार्ट नहीं लेकर आ पाऊंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। सो गाइस जो भी आपके साथ चार्ट्स पर्टिकुलर स्टॉक की चार्ट की वीडियोस आती है उसको केयरफुली देखा करिए, जो पैटर्न बताता हूँ उसे गूगल पे जाके फिर सर्च करा करिए, ट्रेंड लाइंस जो मैं बनाता हूँ वो अपने चार्ट पैनल पे जाके ज़रूर ड्रॉ करा करिए, जिससे आपको फ्यूचर पे भी अगर वो उस सपोर्ट स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट पे ले रहा होगा तो भी आपको फ़ायदा हो, या रेजिस्टेंस पे जा रहा होगा तो भी आपको फ़ायदा होगा। सो गाइस इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।